सो हेलो एवरीवन, आई होप आप खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में जो अभी रिसेंटली में हरियाणा के एक मेवात डिस्ट्रिक्ट में हुई है। उस गांव का नाम है खलीलपुर। सो दोस्तों, जिसकी डेथ हुई है उसका नाम है आसिफ खान। सो उसकी 35 और 30 लड़कों के ग्रुप के द्वारा उसकी डेथ कर दी गई है। वो अपने दोस्त के घर गए थे खलीलपुर से, अपने गाँव से, मेडिसिन लेने के लिए, अपनी मदर के लिए। जब वहां से वो रिटर्न हो रहे थे, यानी कि वापस आ रहे थे, तो उस टाइम पे 2-3 कारों ने उसका रास्ता वे ले कर लिया, यानी कि घेर लिया और उससे फोर्स करने लगे कि आपको जय श्री राम कहना है। ये अभी भी मॉब लिंचिंग चल रहा है उसके साथ में। सो दोस्तों, आसिफ की जो हत्या हुई है वो एक दर्दनाक हत्या है, और उसके साथ में उसके दो चचेरे भाई थे, उन्हें भी बुरी तरह से पीटा गया। सो दोस्तों, एक्स पर दबाव डाल रहे थे कि आपको जय श्री राम कहना है। अभी भी मॉब लिंचिंग चल रहा है हमारे देश में। सो दोस्तों, अगर हम कोविड-19 की बात करें तो उसे लेकर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। डे बाय डे डेथ हो रही है हमारे देश में। तो ये ऐसी सिचुएशन है, हमें डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन सब कास्ट वास्ट को छोड़कर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए इस सिचुएशन में, क्योंकि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, हर एक प्रॉब्लम में से घिरा हुआ है। तो इस सिचुएशन में हमें अपने हर एक रिलीजन से मदद करनी चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए और करनी चाहिए। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे इस घटना में अंजाम हुआ है, या इस वीडियो में आपको सब पूरी डिटेल बताई गई। दवाई ली वहां से, हमने दवाई लेके हम कर ले सीधे, हमने वो जखोपुर पास किया था, और जखोपुर पास करने के बाद अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज आई जिसने हमें पीछे से टक्कर मारी, और फिर टक्कर मारने के बाद आगे से जो गाड़ी आई उसने एक गाड़ी सड़क पे बिल्कुल आड़ी लगा दी। गाड़ी लगने के बाद हमारी उससे टक्कर हुई, फिर एक तीसरी गाड़ी ने हमें पीछे से साइड से टक्कर मारी। साइड से टक्कर लगने के बाद जैसे हमने गाड़ी बढ़े, हमारी गाड़ी खड्डे में जाकर बदल गई। उसके बाद उसमें मेरे ही गाँव के 7-8 बंदे जिन्होंने मुझ पर हमला किया। मुझ पर हमला करने के बाद जब मुझ में कुछ नहीं बचा, मुझे छोड़ा, मेरे भाई को उस गाड़ी से निकाला, और उस गाड़ी से निकाल कर मेरे भाई को मार दिया, और मार कर नगली के फार्म हाउसों में फेंक दिया, जिसमें कुछ बाहर के लोग, उदा का, उसका नाम संदीप है, और एक भाई, एक लड़का है उसका जखोपुर का, जिसका नाम कालू सनोप राजन, और जो गांव के हैं, जो गांव के अडवाणी और पटवारी, और जी सर, और क्या नाम है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा कि किस तरह उन पर प्रहार किया गया, उन्हें कैसे मारा गया। सो दोस्तों, अभी भी ये कहा जा रहा है कि जो अपराधी है उन पर कोई FRI दर्ज नहीं की गई है, वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। एक दो अपराधी को ही गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ साथ ही जो मतलब वहां पर लड़के थे, वो जस्टिस फॉर आसिफ खान के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसमें कुछ स्टूडेंट भी शामिल है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जल्द से जल्द उन्हें रिहा किया जाए। और दोस्तों, सो गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू से इस पुलिस शुड टेक एक्शन अगेंस्ट कल्प्रिट, एंड पुलिस नीड टू अरेस्ट देम एज सून एज पॉसिबल। वी डिमांड ओनली इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड लाइक माई वीडियो, एंड शेयर माई वीडियो।